अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं लेके आ गई हूं आप सबके लिए बहुत यूनिक सी रेसिपी। तो आज की रेसिपी में है चिकन स्पैगेटी। वैसे तो आप लोग ये अपने घर में बनाते ही होंगे, तो आज मेरी मम्मा की रेसिपी से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रेसिपी ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग सब मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह मेरी मामा के स्टाइल से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी सी स्पैगेटी, जो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, तो शायद आपके बच्चों को भी पसंद हो। तो बनाना शुरू करते हैं। तो हमने स्पैगेटी ली है ये एक पैकेट, और यहाँ शिमला मिर्च और बंद गोभी और गाजर को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, और ये चिकन को मैंने बॉयल करके रेशा बना लिया इसका। ये मैंने आधा आधा चम्मच गार्लिक और जिंजर पाउडर लिया है, और मैंने आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च लिया, और चिकन पाउडर आधा चम्मच लिया है। ये मैंने काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च ली है, और ये चौथाई चौथाई चम्मच ली है, और ये हरी मिर्च ली है थोड़ी सी कट कर ली है, और ये केचप लिया है मैंने, और यहाँ मैंने लीमू का रस लिया एक चम्मच, और ये नमक लिया हसब ज़रूरत। और आप ये देख सकते हैं ये मैंने तीनों सॉसेस लिए हैं। और चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं हम। तो हमने एक पतीली ली है और इसके अंदर पानी बॉयल होने रख दिया था पहले से, और इसके अंदर हम एक चम्मच डालेंगे ऑयल ताकि हमारी स्पैगेटी अच्छी सी बॉयल हो जाए और खिली खिली बॉयल होए। चलिए तो हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, तो हम स्पैगेटी ऐड करेंगे इसके अंदर। और स्पैगेटी ऐड करने के बाद खूब अच्छे से इसको पकाएंगे हम, और इसको 15 मिनट्स के लिए पकाते हैं हम। देखिए काफ़ी अच्छी सी पक गई है, तो इसको अब हम छन्नी में निकालेंगे और एक गिलास पानी ठंडा डालेंगे, और इसको छन्नी से निकाल के एक प्लेट में रखेंगे। देखिए हमने प्लेट में रख ली है, और कितनी ज़बरदस्त सी ये पक गई है। तो अब हम एक पतीली लेंगे, अब हम दो चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल लेने के बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे हम। देखिए हमारा काफ़ी अच्छा सा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम केचप ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे, और इसको भी खूब अच्छा सा भूनेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे से भून गया, तो अब हम इसके अंदर स्पैगेटी ऐड करेंगे। स्पैगेटी ऐड करने के बाद तमाम सब्जियां ऐड करेंगे इसके अंदर हम। देखिए काफ़ी अच्छी सी सब्जियां ऐड हो गई थी, तो हम तीनों सॉसेस ऐड करेंगे। तीनों सॉसेस ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे खूब अच्छे सा, और खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमने चिकन बॉयल करके रखी हुई थी रेशा करके वो ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम लीमू का रस ऐड करेंगे इसमें। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम स्पैगेटी को काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमारी स्पैगेटी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्पैगेटी काफी तरीके से रेडी हो गई, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, उसका फाइनल लुक देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डिश आउट हो गई है, इसका फाइनल लुक भी काफी यमी और टेस्टी आया। रियली ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी। आप लोग जरूर अपने घर में बना के ट्राई कीजिएगा, आप लोग सबको बहुत पसंद आएगी ये वाली रेसिपी। मुझे तो स्पैगेटी बहुत पसंद आई, आप सबको भी स्पैगेटी बहुत पसंद होगी। यहाँ पे हमने स्पैगेटी की टॉपिंग करी टोमेटो केचप के साथ। टॉपिंग करने के बाद हमारी स्पैगेटी फाइनली रेडी हो गई है। मुझे तो इसको देख के भूख लग रही है, बहुत यमी लग रही है ये। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर रेसिपी ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। आई होप आप सबको मेरे रेसिपी ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सके। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आप सबको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, और इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप ब्लेसिंग। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट रेसिपी ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।